संगीत सरिता मरुधरा की संगीत धारा में शास्त्रीय संगीत राजस्थान के लोकगीतों पर आधारित इस श्रृंखला की ये है 25वीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमने तीन लोक कलाकारों को आमंत्रित किया है, बनारसी लाल झोरी, गंगा कलावंत, कोहिनूर लंगा और साथी शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ जो यहाँ आमंत्रित हैं, प्रसिद्ध गायक डॉक्टर प्रकाश संगीत और ख्यात नाम वायलिन वादिका विदुषी डॉक्टर एन राजम। आपके साथ बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। मित्रों नमस्कार, आज की कड़ी में हमें गीत सुनाने वाली हैं गंगा कलावंत। आइए गंगा जी। तेरो रुमाल लियो जावे हाथ रो रुमाल लियो जावे रे सेरो रो दुशालो लियो जावे रे मेलोरा राजा हाथ रो रुमाल लियो जावे दूसरी अरज एक अरज ढोला दूसरी अरज और तीसरी अरज धनरी मोनो सा तीसरी अरज धनरी मोनो सा महाराजा मारो हाथ रो रुमाल लियो जावे ओ हाथ रो रुमाल लियो जावे रे शेरो रो दुशालो लियो जावे रे मेलोरा राजा हाथ रो रुमाल लियो जावे तीसरे नगारे महला पधारो रे प्यारी राजा हाथ रो रुमाल लियो जावे ओ हाथ रो रुमाल लियो जावे रे तेरो रो दुशालो लियो जावे रे प्यारी
माथे रो रुमाल लियो जावे ओ मेलो रो दुशालो दियो जावे हाथियो रुमाल लियो जावे रे हाथ रो रे हाथियो रुमाल लियो जावे रे मेलोरा राजा हाथियो रुमाल लियो वाह वाह कितना दर्द भरा मीठा गीत सुनाया आपने गंगा जी बहुत आनंद आया लेकिन महेंद्र जी ये गीत जो गंगा जी ने अभी गाया सुनकर तो मैं इतना समझ पाई हूँ कि हाथ में रुमाल लेकर कोई कहीं पर जा रहा है कंचन जी दरअसल ये फिर जो गोरी है वो अपने पीव को जो हाथ में रुमाल लिए हुए है है ना उसे कह रही है कि देखो रात का पहला नगारा बज गया। पहले किसी जमाने में जब बहुत पुराने वक्त की बात है राजस्थान में कुछ इस तरह से हुआ करता था कि नगारे बजा करते थे कि अब ये एक बज गया दो बज गया तीन बज गया चार बज गया। तो वो गोरी अपने पीर से कह रही है देखो एक का नगारा मैंने सुना फिर उसके बाद दो का दूसरा भी सुना तीसरा भी सुना चौथा भी बज गया है और तुम कहाँ हो अरे मेरे ढोला अरे मेरे पिया अरे मेरे साहेब जी तुम लौट कर घर आ जाओ ना मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जी मतलब गीत में कोई बहुत सारा ज्ञान का भंडार नहीं है लेकिन भावना की जो खुशबू है जी हाँ जो सुगंध है बिल्कुल सही कहा आपने भाव की सुगंध जो है वो बहुत सुंदर है जी। प्रकाश जी ये गीत जो अभी हमने सुना है आप बताएंगे कि ये किस राग पर आधारित है या इस गीत में कौन सा राग हमें मिलता है। ये गीत जो हमने सुना वो राग भैरवी में है। राग भैरवी ये भैरवी थाट का ही है और इस राग में सुर कोमल ही लगते हैं। वैसे तो सभी स्वर इसमें लगते हैं। इसका समय प्रातः काल बताया गया है पर इस कोई भी जबकि जैसा कि लोग कहते हैं कि जब भी समापन होता है गाने के कार्यक्रम का तब भैरवी गाई जाती है और बड़ा संपूर्ण राग है ये जी। और मित्रों कल हमने प्रकाश जी से एक बंदिश सुनी थी जो कि उन्होंने सिंध भैरवी में गाई थी और आज मैं डॉक्टर एन राजम जी से गुजारिश करूंगी। तो चलिए सुनते हैं राजम जी से राग भैरवी। राग एक ही होते हुए भी जैसी रचना है उसके अनुसार बजाने की तरीका जो है बदल जाती है। अगर मैं जोगी मतजा बजाऊं मेरे गुरुजी की प्रिय चीज तो उस समय जो स्वरावलियां हैं वो अन्यत्र नहीं दिखाई देते हैं। इस समय मैं एक बनारस की ठुमरी सुना रही हूँ।
धर्म के बोल इस प्रकार है। बाट चलत मोरी चुनरी रंग डारी, बाट चलत मोरी चुनरी रंग डारी रे। वाह, बहुत आनंद आया। ये राग था भैरवी। आपने अंदाज लगाया ही होगा कि ये बंदिश की ठुमरी है। जी मित्रों, कल और आज दोनों ही दिन हमने भैरवी में गीत सुने हैं, और कल की कड़ी जो कि इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी होगी, उस कड़ी में भी हम सुनेंगे भैरवी पर आधारित गीत। और ये गीत हमें सुनाएंगे कोहिनूर लंगा और साथी। तो आज दीजिए आज्ञा, नमस्कार। मरुधरा की संगीत धारा में शास्त्रीय संगीत, राजस्थान के लोक संगीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी 25वीं कड़ी। आज आप सुन रहे थे गंगा कलावंत का गाया गीत और उस पर चर्चा। शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ हैं गायक डॉक्टर प्रकाश संगीत और वायलिन वादिका विदुषी डॉक्टर एन राजम, तबले पर संगत बालकृष्ण अय्यर की, हारमोनियम पर संगत सुधीर नायक, रिकॉर्डिंग इंजीनियर दिलीप कुलकर्णी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।